हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं छाया सिंह। आज मैं उन न्यूली मैरिड ब्राइड के लिए मेकअप लुक क्रिएट करके आई जो ससुराल में जाकर कैसे मेकअप करे, कैसे तैयार हुए, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने यह चिट चैट मेकअप वीडियो क्रिएट की हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे मैंने ये मेकअप क्रिएट की हूँ। इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। अगर आपको ये लुक पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करे। अगर आप लोग मेरे वीडियो को प्यार नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरे वीडियो का क्या फ़ायदा है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। जैसे आप अदर यूट्यूबर को प्यार करते, सपोर्ट करते, वैसे मुझे भी थोड़ा सा मुझे भी प्यार दे, सपोर्ट करें, क्योंकि आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और ये मेकअप मैंने कैसे क्रिएट की उसके लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैंने ये मेकअप कैसे क्रिएट की हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। तो जब भी अपना मेकअप स्टार्ट करें तो अपने फेस को मॉइस्चराइज करना ना भूले, तभी आपका बेस सटल होगा, आपका बेस अच्छे से ब्लेंड होगा। अगर अपने फेस को आप अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करते तो आपका मेकअप ब्लेंड नहीं होगा, आपका बेस ब्लेंड नहीं होगा। इसलिए जब भी आप मेकअप करें तो सबसे पहले अपने इस फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर ले। तो मैंने यहाँ लैक्मे का मॉइस्चराइजर पिक की हूँ। ये मॉइस्चराइजर बहुत ही लाइट वेट और आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। तो मैं अपने ओवरऑल फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं प्राइमर अप्लाई करूँगी। तो इसके लिए मैंने ब्लू हेवन का प्राइमर लिया। ये प्राइमर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। आपके प्राइमर अप्लाई करने से आपका जो पोर्स ओपन होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और आपका मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आपको अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें। आप इस प्राइमर किसी भी साइट पे से परचेस कर सकते हैं। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट, पर्पल, नायका, किसी भी साइट पे आपको इजिली मिल जाएगा। इसके बाद मैं अपने बेस के लिए मैबेलिन का फाउंडेशन पिक की हूँ। अगर आप कोई मैट फिनिशिंग फाउंडेशन ढूंढ रहे हो और अच्छा कवरेज वाला, फुल कवरेज वाला फाउंडेशन ढूंढ रही है तब इस फाउंडेशन पे जा सकती है। आपको बहुत अच्छा कवरेज मिल जाता है। अब जब भी इस फाउंडेशन को अप्लाई करें तो पहले सेक कर ले तो आपका फाउंडेशन अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही फाउंडेशन लूँगी क्योंकि इसका कवरेज बहुत ही अच्छा। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपका मेकअप बहुत ही हैवी और बहुत ही केकी दिखेगा, तो ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। मैं यहाँ एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने मेकअप को ब्लेंड करूँगी। तो जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें तो उससे पहले आप इसे पानी में डिप कर दें और अच्छे से इसे पानी निकाल लें, निचोड़ लें, तो आपका ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। जब भी अपने बेस को ब्लेंड करें तो हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करते जाए, डैब डैब करते ब्लेंड करते जाए। कभी भी हार्ड हाथ से कभी भी ब्लेंड ना करें। जब हार्ड हाथ से ब्लेंड करेंगे तो आपका मेकअप बहुत ही केकी दिखेगा। और कभी भी ऐसे रब करके ना ब्लेंड करें, हल्के हल्के हाथों से डैब डैब करते हुए ब्लेंड करते जाए। थोड़ा टाइम लगेगा पर कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा तभी तो आपका मेकअप अच्छा और निखर के आएगा। तो मैं ज़्यादा फाउंडेशन नहीं रख रही हूँ। ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई ना करें, कम अप्लाई करें, थिन लेयर अप्लाई करें। इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और आपके फेस पे पसीने भी नहीं आते। और नेक पे अप्लाई करना ना भूलें। कुछ लोग नेक पे अप्लाई नहीं करते, इसके कारण नेक का स्किन फेस का स्किन मैच नहीं करता और अनइवन लगता है। तो अपने नेक पे ज़रूर अप्लाई करें, तभी आपका फेस का और नेक का कलर मिलेगा और अच्छे से ब्लेंड करें। के बाद मैं अपने डार्क सर्कल्स के लिए, डार्क स्पॉट के लिए मैं कंसीलर पिक कर रही हूँ। और ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है और ये कंसीलर बहुत ही अच्छा और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। अगर आप कोई अच्छा कंसीलर कम प्राइस में सर्च कर रही हो तब इस कंसीलर पे जा सकती है, आपको अच्छा कवरेज देगा और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो जहाँ जहाँ आपके डार्क स्पॉट है, डार्क सर्कल्स है, आप वहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर ले। अपने लिप्स के ऊपर ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि बहुत सारे लोग को लिप्स के ऊपर पिगमेंटेशन होते हैं। मेरे लिप्स के ऊपर बहुत पिगमेंटेशन है
इसके कारण मैं लिप्स के ऊपर जरूर अप्लाई करती हूँ, तभी आपका स्किन इवन लगेगा, सारे स्किन के कलर एक लगेंगे, ये नहीं कि कहीं ब्लैक कहीं व्हाइट लग रहा है। इसलिए जहाँ जहाँ आपके पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट है आप वहाँ जरूर अप्लाई करें, तभी आपका मेकअप अच्छा दिखेगा। मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। इसके बाद मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यह मैबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर पिक किया है। मैबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर है। आप जब भी बेस लगाए, कंसीलर लगाए, उसके बाद अपने मेकअप को जरूर सेट करें। अगर आप अपने मेकअप को सेट नहीं करते तो आपका मेकअप ना केकी हो जाता है, अब कुछ टाइम के बाद पसीने आने लगते और आपका मेकअप जाने लगता है, जिसके कारण आप अपने मेकअप को सेट करना ना भूलें। मैं यहाँ एक ब्रश की हेल्प से अपने मेकअप को सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी। ये ब्राउन शेड में आईब्रो पेंसिल है, तब जब भी अपने आईब्रो को फिल करे तो ब्राउन शेड पिक करे, इससे आपको थोड़ा नेचुरल लुक मिलेगा। ब्लैक शेड से थोड़ा बहुत डार्क लगने लगता है, इसके कारण वो थोड़ा फेक लगता है। सबसे पहले मैं यहाँ नीचे से अप्लाई करना स्टार्ट करूंगी। के बाद एक पूली ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से सेट कर लूंगी। अगर आपके पास कोई मस्कारा खत्म हो गया तो आप उसे एक पूली ब्रश की तरह यूज कर सकते हैं। सेम मैं दूसरी आईज पे भी अप्लाई कर लूंगी। अब मेरा आईब्रो भी डन हो गया, अब इसके बाद मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूंगी। के लिए मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का आई पैलेट पिक की हूँ। इसका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले मैं यहाँ से एक पिंक सेट पिक करूँगी और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं अपने आई मेकअप को कस्ट करूँगी। जब भी अपना आई मेकअप आप स्टार्ट करें तो पिंक सेट या लाइट ब्राउन सेट हो गया, लाइट ग्रे सेट हो गया, उस कलर से स्टार्ट करें। उसके बाद आप डार्क सेट अप्लाई करें। अगर आप लाइट सेट से अप्लाई करते हो तो आपको आई पे शेप मिल जाता है, आपको अंदाजा मिल जाता है कि कहाँ से आपको कहाँ तक फिल करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आउटर वी पॉइंट पे प्लेस करूँगी। प्लेस करते हो पूरा आपको क्रीज लाइन तक आपको ब्लेंड करते जाना है। और जब भी ब्लेंड करे तो हल्की हल्की हाथों से ब्लेंड करे। सेम दूसरी आईज पे भी अप्लाई कर लूंगी। इसके बाद मैं सेम पैलेट से यहाँ मैं एक डार्क रेड शेड पिक कर रही हूँ। इसको बस आउटर वी पॉइंट के जस्ट साइड में आपको प्लेस करना है। हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड कर देना है। इसके बाद मैं एक क्लीन फ्लफी ब्रश लूंगी, अच्छे से दोनों सेट को अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूंगी। के बाद मैं एक सिमर सेट पिक करूंगी और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईज पे प्लेस कर लूंगी। तो ये सिमर सेट अपने इनर वी पॉइंट पे प्लेस करूंगी। सेम दूसरी आईज पे भी अप्लाई कर लूंगी मैं।
उसके बाद मैं आईलाइनर ड्रॉ करूंगी, तो इसके लिए मैंने यह लैक्मे का आईलाइनर पिक की हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा विंग लाइन ड्रॉ करूंगी। आईलाइनर लगाना किसको किसको डिफिकल्ट लगता है, मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं स्मोकी आईज ही क्रिएट कर लूँ, वो मुझे ईजी लगता है। चलिए आईलाइनर लगाते हैं। अगर आपको ये आई मेकअप या आपको ये मेरा मेकअप अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट और आपके प्यार की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। तो प्लीज़ जैसे आप अदर यूट्यूबर को प्यार करती है, सपोर्ट करती है, वैसे मुझे भी सपोर्ट करें, प्यार करें। अब मैं सेम दूसरी आईज पर मैं सेम विंग लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद मैं अपने वाटर आईलेट पे काजल अप्लाई करूंगी। मैंने यहाँ मैबलिन का काजल ली हूँ, तो मैं थोड़ा डार्क करके यहाँ काजल अप्लाई करूंगी। डार्क अप्लाई करने से आपकी आंखें थोड़ी बड़ी दिखती है। इसके बाद मैं लोअर आईलेसेस के पास मैं ये रेड सेट पिक करूंगी। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं लूंगी अपने लोअर आईलेसेस पे स्मच करते हुए लगाऊंगी। मैं अपने आईलेसेस के लिए लैक्मे का मस्कारा अप्लाई करी। ये मस्कारा बहुत ही अच्छा है, आपके आईलेसेस को कर्ल बनाता है, एक अच्छा सा वॉल्यूम देता है। ये अप्लाई करने के बाद आपके आईलेसेस बहुत ही लंबे दिखते हैं। तो यहाँ मैं कोई फॉल्स आईलेसेस नहीं लगा रही, यहाँ मैं मस्कारा अच्छे से अप्लाई करूँगी, जिसके कारण मेरी आईलेसेस लंबी दिखे, कर्ली दिखे और एक अच्छा सा वॉल्यूम आ जाए। हम देख सकते हैं दोनों आईज में कितना डिफरेंस हो गया मस्कारा लगाने के बाद। और अपने लोअर आईलेसेस पे अप्लाई करना ना भूले। यहाँ मेरे आई मेकअप कंप्लीट हो गए। इसके बाद मैं अपने चीक को ब्लश करूंगी। इसके लिए मैंने सिवाना का पैलेट पिक किया। ये पैलेट बहुत ही अच्छा है। इस पैलेट में आपको 3-in-1 का काम हो जाता है। इस पैलेट में आप अपने फेस को कॉन्टोर भी कर सकती है, अपने आई मेकअप भी कर सकती है, ब्लश भी लगा सकती है। और यहाँ जो ये सिमर सेट है, आप इस सिमर सेट से अपने फेस को हाईलाइट भी कर सकती है। तो यहाँ से मैं ये सेट पिक करूंगी और स्माइल करते हुए ब्लश लगा लूंगी। उसके बाद मैं अपने नोज को कंटूर करूंगी। मैं यहाँ फेस कंटूर नहीं करने वाली, क्योंकि जरूरी नहीं कि अपने डेली बेसिस पे अपने फेस को कंटूर करें, क्योंकि मेरी नाक थोड़े बड़े, इसलिए मैं अपने नोज को कंटूर करूंगी। तो मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपने नोज को कंटूर कर लूंगी। तो जिसके भी नोज मेरे जैसे है तो अपने नोज को जरूर कंटूर करें, इससे आपके नोज बहुत साफ दिखते हैं। मैं अपने फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। इससे मुझे लगता है कि फिंगर से अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, इसलिए मैं अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर लेती हूँ। इसके बाद मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँ, इसके लिए मैं सिवाना का हाईलाइटर पिक कर रही हूँ। यहाँ से मैं सिल्वर सेट कलर पिक करूँगी। एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी। यहाँ जो आपके हाई पॉइंट है वहाँ अप्लाई कर सकती हैं। अब अपने मन से भी अप्लाई कर सकते। अगर आपको ड्यूई मेकअप, ग्लोई मेकअप पसंद है तो आप अपने हिसाब से अपने फेस को हाईलाइट कर सकती है।
अपने आईब्रो बोन को। इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करें। इसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। तो अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ अपने ओवरऑल फेस पे। स्प्रे कर लूँगी सेम ब्यूटी ब्लेंडर पे, ऐसे मैं स्प्रे कर अपने ओवरऑल फेस पे ऐसे डैब कर लूँगी, जिससे अगर आपका ओवर प्रोडक्ट आपके फेस पे होगा अप्लाई होगा तो ब्यूटी ब्लेंडर अपने में ये ले लेगा और आपका मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा। एंड दिस इज माई फाइनल लुक।